अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंजुम शाहिद चैनल। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में लाहौरी हरीसा, लेकिन ज़रा अपने स्टाइल में। हरीसा जो है वो सर्दियों की ख़ास एक रेसिपी है। ये बहुत ही एनर्जेटिक और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। तो वैसे तो हम हरीसा जो है गर्मियों में भी खा सकते हैं, लेकिन लोग इसको सर्दियों में ज़्यादा शौक से बनाते हैं और शौक से खाते हैं। तो चलें हरीसे के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। दलिया मैंने, ये देखिए ऐसे पैक में आपको दलिया मिलेगा मार्केट से कहीं से भी। तो एक प्याली दलिया मैंने रात को ही भिगो दिया था। एक कप ले लें या एक प्याली ले लें, एक कप जो है वो इसका दलिया का मैंने भिगो दिया है। हाफ प्याली जो है ये मूंग की दाल, और ये देखें इसको भी सोख करके रखा हुआ है पानी में, ये फूल गई है। और चावल भी जो है वो 1 कप। मूंग की दाल अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल का भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है, तो मैं स्किप नहीं कर रही। तो दलिये को धो के अब हम इसको पानी में डालेंगे। डेगची में पानी मैंने डाल लिया है। इसमें नमक, मिर्च, नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून डालेंगे। अभी हम ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें बाद में भी ऐड होंगे और गरम मसाला भी इसमें हम बाद में ऐड करेंगे। तो ये पानी जो है, गरम पानी में मैं ये डाल रही हूँ दलिया। मसाले डाल दें, आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। मैं इसको चढ़ा कर चूल्हे पर रख दूंगी, ये बनती रहेगी। ये जो है वो नरम हो चुका है, क्योंकि ये सारी रात भीगा रहा था। और अब इसको हम गर्म पानी में इसको डाल रहे हैं। गर्म पानी में कुछ भी आप डालें, कोई भी डालें चीज़, अगर गर्म पानी में डालें तो वो जल्दी जो है वो बन जाती है। ठंडे पानी में डालने से चीज़ जो है, दालें, दलिया, ये सब जो है ये सख्त हो जाती हैं। चलें जी, अब हम इनको पकने के लिए तीनों चीज़ों को रख देंगे और देगची को कवर करके रख देंगे। पानी आप अपने अंदाजे से डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे क्योंकि दलिये ने जो है, दलिया, चावल, दालें, तीनों चीज़ें इसमें पकेंगी। और इसको कवर करके ज़रा मीडियम हाई फ्लेम पे इसको रख दें, और साथ चम्मच भी हिलाती जाइएगा ताकि दलिया जो है वो आपस में जुड़े नहीं और नीचे नहीं लगे। जायके के लिए जो है इसमें थोड़ा सा गरम साबुत जो है, गरम मसाला भी डाला है ताकि यखनी में जो है वो टेस्ट आए। ये अब हम डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक का भी डालेंगे। चलते हैं, इसको यखनी को कवर करके रख देते हैं, और ये हम मीडियम लो फ्लेम पे इतनी देर में हम नेक्स्ट स्टेप। व्यूअर्स देखें, ये दलिया हमारा रेडी हो गया है, उधर से यखनी भी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। देखें बोटियों को जो है हम तोड़ के जो है वो मैश कर लेंगे, बिल्कुल इसकी जो है रेशा रेशा कर लें, या इसको यहीं पे ही तोड़ दें। दलिये को मैं फ्लेम से उतार के साइड पे रख रही हूँ ठंडा करने के लिए, और इसको हम जो है वो जूसर ब्लेंडर में या मिक्सर में किसी भी चीज़ में जो है इसको मिक्स करके इसको बारीक कर लें। व्यूअर्स देखें, दलिये को ठंडा करके मैंने जो है ब्लेंड कर दिया है। अब ये अच्छी तरह जो है ये सारी चीज़ें मैश हो गई हैं। अब इसमें हम यखनी और चिकन डालेंगे। चिकन को थोड़ा सा हम मैश कर लेंगे, रेशा रेशा कर लेंगे। चिकन को मज़ीद थोड़ा सा रेशा रेशा कर लेते हैं ताकि वो जो है। तो चलते हैं व्यूवर्स अब नेक्स्ट और लास्ट जो है स्टेप की तरफ।
ये देखें, ये चिकन डाल के मैंने इसको निकाल के इसको पतीले को एक साइड पे रख दिया है। ठीक है, पालक हमें चाहिए एक कप, हमने बॉईल की हुई ली है। मैंने पालक रात ही बॉईल करके इसको फ्रीज कर दी थी। आपके पास अगर फ्रेश है देन यू कैन टेक फ्रेश वन। टू, थोड़ी सी इसमें मैं वेरिएशन कर अपनी चेंज कर रही हूँ। तो टमाटर का हमने ये पेस्ट ग्राइंड किया है, ठीक है, और 2 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट ऑयल में ये फ्राई कर लिया है मैंने। फ्राई हो गया, अब मैं इसमें ये टमाटो प्यूरी डालूंगी और इसको भी हल्का सा फ्राई करूंगी। अब इसमें मैंने सिर्फ एक एक पिंच जो है वो नमक और जो है लाल मिर्च डाली है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्पाइसेस अभी और भी यूज़ होने हैं। और वो जो हैं वो फ्राई होती हैं, पालक फ्राई होती है। इतनी देर में मैं आपको नेक्स्ट उसकी तरफ ले चलूं। ये मेरा जो मैंने जो है आधे किलो से ज़्यादा कीमा लिया है, इसमें हाफ हाफ टी स्पून सारे ये स्पाइसेस हैं, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और हाफ टी स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर। अब हम इसको मिक्स करके बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे हम कबाब बनाएंगे में। तो अब हम इसकी में के बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे जो है ये हम कबाब बनाएंगे और हम इसी को फ्राई करके जो है हम इसका तड़का लगाएंगे। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है, इसमें हरी मिर्ची भी डालेंगे। व्यूअर्स देखें, पालक फ्राई हो गई है और ये बहुत ही मज़े की टेस्टी है, क्योंकि इसमें हमने बकायदा जो है वो टमाटर लहसुन और उसका हमने जो है तड़का भी लगाया है। तो ये पूरी जिस तरह पालक का टेस्ट होता है वैसी बनी हुई है। और मीनवाइल ये देखें, हमने कबाब भी बना के रख लिए हैं, जितनी देर में पालक पकी है कबाब रेडी हो गए हैं। अब हम कबाब को फ्राई कर, ये पालक मैं निकाल रही हूँ और इसको हम इसमें हरीसा में जो है इसमें डालेंगे, डाल रहे हैं हरीसा में। ठीक है, मेरे गेस्ट भी आए हुए हैं तो उनके साथ हम जो है इकट्ठे मिल के खाएँगे। अब हम जो है कबाब फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें, पालक को इसमें मिक्स कर रही हूँ। चलें, पालक मिक्स हो गई है, अब कबाब फ्राई करते हैं। एक कप जो है फुल ऑयल का हम लेंगे। वैसे इसमें देसी घी भी यूज़ होता है, लेकिन देसी घी जो है वो बहुत हैवी हो जाता है और जो है वो हमारी फैमिली नहीं पसंद करती, लेकिन आप इसमें देसी घी यूज़ करें। अब हम इसमें कबाब फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये चिकन के कबाब हैं, फ्राई होते होते ही पक जाएंगे और हम इसी का जो है तड़का लगाएंगे। अब ये हरीसा रेडी है, आखिरी जो है अपने इसमें मराहिल में। अब मैं 1 टीस्पून जो है इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। फ्राई हो गए हैं, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरे का और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर का जो है वो तड़का लगाऊंगी, बघार लगाऊंगी। व्यूअर्स, आई होप दैट यू विल लाइक दिस रेसिपी एंड यू विल ट्राई दिस रेसिपी एट होम। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का जैसा भी टेस्ट है नमक मिर्च प्लीज चख लीजिएगा और मज़े मज़े का हरीसा बनाएं, फुल ऑफ एनर्जी, और अपने घर वालों को खिलाएं। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मैंने अपने सास ससुर को इनवाइट किया है, तो अब मैं उनको हरीसा जो है उन्हें खिलाऊंगी और वो बहुत खुश बैठे हुए हैं। ये देखें, ये मेरे सास ससुर हैं और ये देखें, ये मज़े से हरीसा खा रहे हैं।
तो आज मेरी फैमिली जो है वो हरीसे को एंजॉय कर रही है। बिस्मिल्लाह। कैसा बना है खालू जी? बेहतरीन। हाँ, नंबर वन। कैसा है? वाह। खाला को भी देना, खाला ले, आप भी ले। टेस्ट करके बताएं। वेरी गुड। कैसा है? डिलीशियस। डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। थैंक यू, थैंक यू। कैसा है? लजीज। लजीज है, जायकेदार, बेहतरीन, डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। दुआएं मांग रही हैं, सब दुआएं पूरी करें। आमीन।